फ्रेंड्स, वेलकम बैक. नाउ डिस्कसिंग अनदर प्रॉब्लम ऑफ मैट्रिसेस. यहाँ पे क्या है, इफ अ मैट्रिक्स ए हैविंग दीज एलिमेंट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस का फोर आए. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है. एंड हेंस फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस फोर आई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. इट्स अ जीरो मैट्रिक्स, ठीक है. तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का वैल्यू चाहिए, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस फोर आई का. तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम यहाँ पे ए स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं. ए स्क्वायर आपको पता है, इट्स नथिंग बट ए इंटू ए. जब दो मैट्रिसेस ए और ए की इन मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी सेम मैट्रिसेस का अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए स्क्वायर आएगा. मल्टीप्लिकेशन का रूल वी गाइस नो इज फर्स्ट रो के साथ होता है फर्स्ट कॉलम का. तो टू इंटू टू, ज़ीरो इंटू टू, वन इंटू वन, यू कैन सी दिस इज़ द वैल्यू. सिमिलरली वी हैव फर्स्ट रो एंड द कॉलम नंबर टू, देन फर्स्ट रो एंड द कॉलम नंबर थ्री. तो ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी. सिमिलरली यहाँ पे आर टू, यहाँ पे आर थ्री, और ये मल्टीप्लिकेशन करना हमने सीखा हुआ है. तो जब आप इन सब लोगों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपका वैल्यू आएगा फाइव माइनस वन टू, नाइन माइनस टू फाइव, ज़ीरो माइनस वन एंड माइनस टू. सो जो ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आपके पास ही आई है बेटा, माइनस फाइव ए. माइनस फाइव यहाँ है, पूरा का मैट्रिक्स जो ए है वो मैंने एज इट इज़ यहाँ लिखा है, प्लस का फोर आए. तो फोर इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स होगा ना. तो जब आप यहाँ इंटू करेंगे, दिस विल गिव यू टेन, दिस इज़ फोर, माइनस का साइन है, दिस इज़ फाइव, प्लस फाइव माइनस टेन, माइनस फाइव माइनस फाइव प्लस फोर इज़ माइनस का वन, ठीक है. सिमिलरली जब आप इसका इंटू करवाएंगे माइनस फाइव का यहाँ पे, तो क्या होगा, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, क्या बचा, माइनस का वन. ये टू है, ये माइनस का फाइव है, ये माइनस का फाइव नहीं होगा, माइनस का फाइव जाएगा, फोर का ज़ीरो होगा तो ज़ीरो ही रहेगा. टू माइनस फाइव इज़ नथिंग बट माइनस का थ्री, ठीक है. तो सिमिलरली जब आप इन सबको क्लियरली सॉल्व करेंगे, जब आप इस फाइव का इंटू अंदर करा देंगे, तो मैं आपके लिए लिख भी देता हूँ ये मैट्रिक्स फटाफट से, क्या बनेगी, माइनस टेन, ज़ीरो, माइनस का फाइव. अगर आप बाहर प्लस लिखा छोड़ दें तो माइनस के सब इंटीट्यूट्स हो जाएंगे अंदर, माइनस टेन, माइनस फाइव, माइनस फाइव, माइनस फिफ्टीन, फाइव, ज़ीरो, और ये हो जाएगा बेटा फोर, ज़ीरो, 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 फोर, ज़ीरो, 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 फोर. और जब आप इसके प्लस करेंगे इनके साथ, तो आपकी ये मैट्रिक्स आएगी. तो इस पूरे को सॉल्व करके आपका जो आंसर आया वो आया ये, ठीक है. अब चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर टू पे. पार्ट नंबर टू में वो क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस फोर आई प्लस एक्स इक्वल्स टू, अगर ज़ीरो है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स. अगर मैं इस पूरे फैक्टर को इधर ले आऊँ तो ये नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है. तो इस चीज़ का वैल्यू तो अभी हमने निकाला ही था बेटा, स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस फोर आई का वैल्यू अभी हमने निकाला था ये, और ये बाहर माइनस का साइन है. जब ये माइनस का साइन अंदर इंट्रोड्यूस होगा, तो ये जहाँ जहाँ माइनस है वो सब पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस. सो दिस इज़ आवर आंसर. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. सी बी एस ई में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है. थैंक यू.